नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। मेरे पीछे के दो तीन वीडियो में लिंग संबंधी विषय पर अपने चर्चा की थी और मैंने बताया था कि लिंगों पर व्यापक रूप से नियम नहीं बन सकते और दूसरी बात है कि पूरे नियम भी नहीं बन सकते। उसी पर आज फिर से चर्चा कर रहे हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों पर व्यापक और पूरे नियम इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि भाषा के लिए निश्चित व्यवहार का कोई आधार नहीं है। फिर भी जितने भी नियम बने हैं या बनाए गए हैं उनके आधार पर कुछ जानकारियां और ज़्यादा मिल जाती है तो उन्हें ध्यान में रखने से हमें एग्ज़ाम में लाभ मिलता है, तो उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था सांसारिक वस्तुओं को प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक दो भागों में बांट सकते हैं, तो इनके लिए जो नियम थे वो दो प्रकार से हिंदी में तय कर सकते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को वो दो प्रकार है, अर्थ के आधार पर तथा रूप के आधार पर। पर इनके अलावा भी एक और माध्यम रह जाता है, वो है व्यवहार के आधार पर। और जब बात व्यवहार के आधार की आ जाती है यहाँ व्याकरण हमारी ज़्यादा सहायता नहीं कर सकता। अब बात आई थी अर्थ के आधार पर, तो इस पर मैंने 3-4 वीडियो पहले बना दिए हैं जिसमें हम प्राणीवाचक संज्ञाओं को लेते हैं। अर्थ के आधार पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांटने के लिए मेरे जो पीछे की वीडियो है वो आप देखेंगे तब आपको आगे की वीडियो में लाभ रहेगा। अब बात आती है रूप के आधार पर, जिनको हम अप्राणीवाचक वस्तुओं को ज़्यादा लेते हैं और रूप के आधार पर चर्चा करेंगे आज। हालांकि रूप के आधार पर भी लिंग के जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जो नियम बनाए गए हैं वो भी ज़्यादा व्यापक नहीं बन पाए और पूरे भी नहीं बन पाए, फिर भी हम इनके आधार पर कुछ नियमों का विश्लेषण करेंगे। चूँकि हिंदी में संस्कृत और उर्दू के ज़्यादा शब्द हैं तो इनको अलग अलग विभाजित करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पर चर्चा करते हैं, तो चलिए। तो पहले मैं हिंदी के शब्दों को लेकर चल रहा हूँ जिनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने के कुछ नियम हैं, तो उसके बाद संस्कृत पर चलेंगे, फिर उर्दू के शब्द लेंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी में हिंदी के अलावा संस्कृत और उर्दू के शब्द बहुतायत में भरे पड़े हैं, तो इसलिए अलग अलग कैटेगरी में बात करेंगे। तो पहले हिंदी के शब्दों को देखिए। ऊन वाचक संज्ञाओं को छोड़कर शेष जो आकारांत संज्ञाएं हैं जैसे कि कपड़ा, गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा इत्यादि, तो ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। मैं पहले पुल्लिंग की बात कर रहा हूँ, पुल्लिंग शब्दों के जो छोटे मोटे नियम हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ दो एक शब्द आए हैं, पहले उनको देखते हैं, उनका अर्थ समझते हैं। ऊनवाचक संज्ञाएं ये क्या है? ऊनवाचक संज्ञाओं से मतलब है जिन शब्दों से न्यूनता का, कमी का एहसास होता हो। न्यूनता कैसे? इन उदाहरणों में देखिए, पहाड़ पहाड़ी, लोटा लुटिया, पंखा पंखी, कुत्ता कुतिया। तो ये पहाड़ी लुटिया पंखी कुतिया, इन शब्दों में इनकी बजाय न्यूनता का आभास होता है, तो उनको ऊनवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अपना पहला नियम ये कहता है कि ऐसी संज्ञाओं, इनको पहाड़ी लुटिया पंखी, बात इनकी नहीं है, ऐसे लाखों शब्द हैं यानी जो न्यूनता वाले हैं, पंखा की बजाय पंखी न्यूनता को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार लोटा लुटिया है ना, तो जो न्यूनता वाली जो संज्ञाएं आती है उन संज्ञाओं छोड़ करके बाकी जो संज्ञाएं हैं और उनमें भी आकारांत, आकारांत का मतलब है जिनके अंत में आए, आकार मतलब आ की ध्वनि अंत में आती है, उन संज्ञाओं में जैसे कपड़ा अब आ गया ना, गन्ना आ गया ना, पैसा आ गया ना, पहिया आ गया, आटा आ गया, चमड़ा आ गया, तो ये जो संज्ञाएं हैं ये सारी की सारी पुल्लिंग में मिलेगी। अब इसी नियम की बात करते हैं, ये चमड़ा है इसकी बजाय इसी से निर्मित दूसरा शब्द लेते हैं चमड़ी,
तो चमड़ी कोमलता का या न्यूनता का बोध कराती है, चमड़ा चमड़ी चमड़ी न्यूनता का बोध कराती है ना। तो वो कह रहा है कि ऊन वाचक संज्ञाओं को छोड़कर यानी चमड़ी जैसे शब्दों को छोड़ करके फिर जो आकारांत संज्ञाएं बनती है वो हमेशा पुल्लिंग में रहती है, ये पहला नियम है। दोबारा बताता हूँ, पहला नियम जो संज्ञाएं न्यूनतावाचक हैं वो तो स्त्रीलिंग में आती है, ठीक है। जैसे चमड़ा की बजाय हम बोलें चमड़ी तो वो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। पंखा की बजाय बोलें पंखी तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। पहाड़ की बजाय बोलें पहाड़ी तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो पहाड़ी पंखी कुतिया ये स्त्रीलिंग शब्द है। वो कह रहा है कि ऐसे न्यूनता वाले शब्दों को छोड़ करके जो शेष संज्ञाएं हैं और उनमें भी जो आकारांत है यानी अंत में आ आता है वो पुल्लिंग होती है, जैसे ये कपड़ा गन्ना पैसा। अब पहला नियम क्लियर हो गया होगा, अब चलते हैं दूसरे नियम की ओर। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, भाववाचक संज्ञाएं जिनमें भाव दशा गुण ये तीनों आ जाते हैं, तो उन शब्दों में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती है? सुख दुख दया गरीबी अमीरी बुढ़ापा बचपन जवानी। तो ये जो शब्द है ना ये भाववाचक संज्ञा होती है। इनमें से कुछ की बात कर रहा है ये कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ने अव पन वा पा ऐसा जुड़ा होता है वो पुल्लिंग में होती है। कैसे? गाना बहाव है ना, अब आ गया चढ़ाव, ठीक है, बड़पन पन आ गया, बचपन बुढ़ापा। तो ये सारी की सारी क्या है? पुल्लिंग में मिलेगी। और ऐसे कम समझ में आता है तो मैंने पीछे के लिंग वाले किसी वीडियो में बताया है कि अपना लौकिक सूत्र याद रखो, उन पर छोटे वाक्य बनाकर देखो। जैसे बुढ़ापा कष्टकारक होता है ना, बुढ़ापा दुखी करता है। यूं थोड़ी कहेंगे बुढ़ापा दुखी करती है, नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा कष्टकारक होता है, यूं थोड़ी कहेंगे बुढ़ापा कष्टकारक होती है। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य बना करके आप आसानी से समझ सकते हो, आपकी 70-80% समस्या हल हो जाती है, ठीक है। बाकी मैंने पहले ही बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि इन शब्दों में व्यापक और पूर्ण नियम बन नहीं पाए हैं। अब बात रहेगी तीसरे नियम की, तो कृदंत की, कृदंत क्या है पहले इसी को क्लियर करते हैं। एक शब्द है तद्दित, एक है कृदंत। तो कृदंत वे संज्ञाएं हैं जो क्रिया से बनती है, जैसे बहना क्रिया है ना, तो इससे बन गया बहाव, तो वो कृदंत है, समझ में आई बात। और क्रिया को छोड़ करके जो संज्ञा शब्द हैं विशेषण शब्द हैं सर्वनाम शब्द है उनसे जो बनती है वो होती है तद्दित, ठीक है। तो कृदंत जो क्रिया से बनती है वो संज्ञाएं, उन संज्ञाओं की बात कर रहे हैं। जैसे लगना तो लगान है ना, लगना क्रिया है वर्ब है तो उससे बन गया लगान, तो लगान। मिलाना तो मिलान, मिलाना क्रिया है तो उससे बन गया मिलान, तो ये कृदंत है। जो क्रिया से बनते हैं ना वो कृदंत होते हैं, ठीक है। तो कृदंत जो संज्ञाएं हैं लगान मिलान पान उठान ये सारी की सारी क्या है? पुल्लिंग में मिलेगी, ठीक है। जैसे अपने बोले मिलान कर लिया, मिलान कर ली ऐसे थोड़ी होता है, लगान चुका दिया, लगान चुका दी थोड़ी है, तो पुल्लिंग शब्द है ये। अब बात आती है स्त्रीलिंग के कुछ नियम। तो हिंदी में स्त्रीलिंग जो शब्द है उनके लिए देख लीजिए, इकारांत जो अंत में ई से समाप्त होती है, इकारांत, जैसे नदी चिट्ठी रोटी टोपी उदासी, ये इकारांत जो जितने भी शब्द हैं वो ज़्यादातर क्या है? स्त्रीलिंग में मिलेंगे। अपवाद तो मैंने पहले ही कहा, चलते रहेंगे, पीछे के वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ कि ये अपवाद क्यों आते हैं, क्योंकि हिंदी में हिंदी के शब्द बहुत कम हैं, दूसरी भाषाओं के शब्द लाए गए हैं, इसलिए सभी पर व्यापक नियम नहीं बन सकते और पूर्ण नियम नहीं बन सकते, तो ये विसंगतियाँ रहेगी। इसलिए मैंने जो छोटा सूत्र बताया था कि वाक्य बना के देख लिया करें, उससे अपनी समस्याएं हल करें, बाकी अभ्यास करें, जितने ज़्यादा शब्द आँखों के आगे से गुजरते जाएंगे उनको उनके बारे में हमारा नॉलेज बढ़ता जाएगा। और उसके अलावा कुछ जो शब्द हैं उनको अलग से गौर करके रखना चाहिए,
जैसे मैंने बताया था पीछे के वीडियो में, झंझट शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, गेहूं शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, दही शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, बांस स्त्रीलिंग शब्द है, कांस पुल्लिंग शब्द है, तो ऐसे और भी शब्द आ जाएंगे। जैसे गाल, तो गाल पिचक गई थोड़ी होता है, गाल पिचक गई, तो गाल जो है वो पुल्लिंग शब्द है। गाल, कई गाल को स्त्रीलिंग शब्द मानते हैं, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं। उसके बाद में बटेर स्त्रीलिंग शब्द है, नीम जो शब्द है उसको पुराने व्याकरण ने स्त्रीलिंग में लिया है और आजकल पुल्लिंग में ले रहे हैं, तो ऐसे शब्दों पर थोड़ा गौर करने की आवश्यकता है। ठीक है, उन्होंने मूंग को स्त्रीलिंग में लिया है, अब मूंग को पुल्लिंग में ले रहे हैं, तो ये जो चुनिंदा शब्द है उन पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी ये नियम है, इनमें सारे शब्द नहीं आ सकते, पर जितना भी अभ्यास होता है उतना ही ठीक है। तो इकारांत वाले सारे के सारे क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग में रहेंगे। अब अपवाद में क्या आ जाएगा, पानी, भले ये इकारांत है, ई लास्ट में आ रहा है, पर ये पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग है, जी पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है, ये इस नियम के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए इनको अपवाद में ले लिया। जी समझ गए, इसके कई अर्थ होते हैं। जी का मतलब मन, जान, तबीयत, चित्त, ऐसे अर्थ निकलते हैं। आज जी घबरा रहा है, मतलब मन ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो इसके कई अर्थ होते हैं। तो ये जो जी है ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, जी घबरा रहा है, यूं थोड़ी कहेंगे जी घबरा रही है, आज तो जी निकल रहा है गर्मी से, जी निकल रहा है, यूं थोड़ी कहेंगे आज तो गर्मी से जी निकल रही है, तो इस प्रकार से थोड़ा देख लिया करें। अब दूसरा नियम देखें, ऊन वाचक जो अभी बात की थी, जो न्यूनता दिखाती है वो वाली संज्ञाएं, तो ऊन वाचक जो याकारांत में, जिसके अंत में या लगा रहता है, वो स्त्रीलिंग में मिलेगी। कैसे, डिबिया, लुटिया, खटिया, ये क्या है, ये ऊन वाचक है। अब बात आती है, ये सारी की सारी स्त्रीलिंग में मिलेगी। अब यहाँ एक शब्द आ रहा है बार बार, इत्यादि 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 इत्यादि, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। दो शब्द है यहाँ देख लीजिए, एक होता है आदि, एक होता है इत्यादि। आदि का मतलब होता है आरंभ। ठीक है, तो एक या दो उदाहरण देकर आगे आदि शब्द लगा दिया जाता है, मतलब अब आरंभ हो गया इन उदाहरणों का। जैसे कि बाजार से क्या लेकर आए हो, कि लहसुन धनिया आदि, तो लहसुन धनिया मिर्च आगे काफ़ी सामान लेकर आया है, तो उसने तो हिंट दे दिया थोड़ा कि लहसुन धनिया आदि, तो एक या दो उदाहरणों के बाद आदि आ जाता है। और बहुत सारे उदाहरण दे दें, लगभग सारे बता दें, एक आधा कोई छूट जाए, तो उसके लिए हम इत्यादि लगा देते हैं, इति प्लस में आदि, इति मतलब समाप्त है, इति मतलब समाप्त है, और फिर भी आगे आदि और लगा हुआ है, समाप्त है फिर भी आदि, मतलब एक दो कोई और बच जाए तो। जैसे बाजार से क्या लाए हो, कि लहसुन धनिया मिर्च हल्दी नमक इत्यादि, तो इसमें मसाले सारे आगे लगभग एक दो कोई छूट गया होगा, तो इत्यादि लगा दिया। तो आदि और इत्यादि में प्रयोग में ये अंतर है। ठीक है, एक या दो उदाहरण के बाद आदि आ जाता है, और बहुत सारे उदाहरण देने के बाद एक या दो बच जाता है तो इत्यादि शब्द लगा देते हैं। ठीक, अब आगे चलें, तकारांत जिसके अंत में तय होता है, ये जो संज्ञाएं हैं जैसे रात बात लात छत भीत इत्यादि, ये सारी की सारी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द में आएंगी। ठीक है, इसके भी अपवाद है, भात खेत सूत गात दांत, ये पुल्लिंग है, तो इस तरह के अपवाद साथ में चलते रहेंगे। छोटे वाक्य बना के देख लें, भात रख दिया खा लेना, भात रख दी थोड़ी होता है, खेत बड़ा है, खेत बड़ी है, ऐसे नहीं बोलते ना, हमारा खेत बड़ा है तो पुल्लिंग शब्द है, हमारा खेत बड़ी है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, तो ऐसे वाक्यों से पता चल जाता है। ठीक, फिर आगे आइए,
उकारांत जो लास्ट में उ आता है, ऐसी जो संज्ञा है वो सारी की सारी क्या स्त्रीलिंग में मिलेगी। अब स्त्रीलिंग चल रहा है, पहले पुल्लिंग चल रहा था, तो उकारांत वाली जो संज्ञा है वो भी क्या है स्त्रीलिंग में मिलेगी। बालू, लू, लू चल रही है, लू चल रहा है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है जिनके अंत में उ आता है, ठीक है। तो बालू, लू, दारू, झाड़ू, वहाँ झाड़ू रखी है तो स्त्रीलिंग शब्द है, वहाँ झाड़ू रखा है थोड़ी बोलेंगे। तो ये शब्द स्त्रीलिंग में है। अब इनमें भी अपवाद है, आंसू, आलू, रतालू, टेसू, इस तरह के बहुत से शब्द हैं जो पुल्लिंग में है। आलू, आंसू आ गए, आंसू आ गई थोड़ी बोलेंगे, तो ये शब्द पुल्लिंग में है। अब आगे देखिए, अनुस्वारांत मतलब जिनके अंत में अनुस्वार, अनुस्वार मतलब बिंदु है ना, तो वो लगा हो वो संज्ञा क्या है स्त्रीलिंग में आएगी। जैसे सरसों, ये अनुस्वार लगा हुआ, गौं, ये अनुस्वार लगा हुआ, चू, उसके मुंह से चू तक नहीं निकली, चू तक नहीं निकली, चू तक नहीं निकला, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो चू स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इसमें भी अपवाद है, जैसे गेहूं, ये पुल्लिंग शब्द है भले इसमें अनुस्वार लगा हो, अनुनासिक लगा हो, ठीक है। अब आगे बात आती है नियम नंबर 6, सकारांत जिसके अंत में शय हो, ऐसी जो संज्ञाएं हैं वो भी स्त्रीलिंग में मिलेगी। जैसे प्यास, मिठास, बांस, सांस, ठीक है, ये स्त्रीलिंग में है। अब यहाँ दो शब्दों पर गौर करें, रास, रास, इनमें भी शय से है, इनके दो अर्थ है। अगर रास ऐसा लिखते हैं तो इसका एक अर्थ है लगान, ठीक है, तो ये तो है स्त्रीलिंग शब्द। और दूसरा जो रास जिसका अर्थ होता है नृत्य, तो नृत्य जो शब्द है फिर ये रास जो है वो पुल्लिंग में है, तो ये थोड़ा ध्यान दें। इसमें भी अपवाद है, जैसे प्यास, मिठास, बांस, सांस, ये स्त्रीलिंग है, तो फिर निकास और कांस ये जो है अब ये पुल्लिंग में मिलेगी। तो इस प्रकार से कुछ अपवाद मिलते रहते हैं। अब बात आती है अगली, कृदंत की नकारात जो संज्ञा है कि अंत में ने लगा हो, कृदंत जो क्रिया से बनती है और लास्ट में ने लगा हो वो स्त्रीलिंग होती है। जैसे सुजन, ये लास्ट में ने है ना, जलन है ना, जलन हो रही है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे जलन हो रहा है, सुजन आ गई, ऐसा बोलेंगे, पैर में सुजन आ गया नहीं बोलेंगे, पैर में सुजन आ गई बोलेंगे। तो सुजन, जलन, उलझन, ये गीत है ना, ये जो चिलमन है उलझन है हमारी, तो उलझन है हमारी, हमारी तो स्त्रीलिंग शब्द है, नहीं तो यूं बोलते उलझन है हमारा, हमारा नहीं बोला ना, क्योंकि उलझन जो है स्त्रीलिंग शब्द है। पहचान, उसकी पहचान खो गई, तो पहचान स्त्रीलिंग है, अपनी पहचान बनानी चाहिए, यूं थोड़ी बोलेंगे अपनी पहचान बनाना चाहिए, बनानी, पहचान स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें भी एक शब्द है चलन, यानी चाल चलन, तो ये उभयलिंग में बताया गया है कामताप सदगुरु ने कि ये दोनों रूपों में काम में लिया जा सकता है, या लेते हैं कुछ व्याकरण ने या ले रहे हैं। कृदंत कि एकारांत जो संज्ञाएं हैं वो देखिए वो भी स्त्रीलिंग में होती है। जैसे लूट ए आता ना लास्ट में, मार ए आता है ना, समझ ए आता है ना, तो अकारांत है ये और कृदंत है जो क्रिया से बनी है, तो ये स्त्रीलिंग में आएगी। जैसे लूट, मार, समझ, दौड़, संभाल, चमक, छाप, पुकार, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। थोड़ा थोड़ा बोल के देख ली, लूटमार मची है, लूटमार मचा है, ऐसे नहीं बोलते, समझ आ गई ऐसा बोलेंगे, समझ आ गया यूं नहीं बोलेंगे, दौड़ हुई, घोड़ों की दौड़ हुई, हुई बोलेंगे, घोड़ों की दौड़, तो की आ रहा है वहीं पता लगा लेना चाहिए, मैंने पीछे के वीडियो में बताया था ना, का पुल्लिंग के लिए, की स्त्रीलिंग के लिए, तो घोड़ों की दौड़, घोड़ों का दौड़ थोड़ी बोलेंगे, तो दौड़ स्त्रीलिंग है, दौड़ हो गई, दौड़ पूरी हो गई, दौड़ पूरा हो गया, ऐसा नहीं बोलेंगे, तो दौड़ स्त्रीलिंग शब्द है। संभाल, चमक फीकी पड़ गई, चमक फीका पड़ गया, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, चमक फीकी पड़ गई, तो चमक स्त्रीलिंग शब्द है। छाप, उसने अपनी छाप छोड़ दी,
तो छाप छोड़ दी, दी स्त्रीलिंग शब्द है, तब ये छाप आ गया। पुकार, उसकी पुकार, तो की आ गया ना, उसका पुकार, का नहीं लगाएंगे क्योंकि पुकार जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें भी अपवाद है, जिसमें लास्ट में ए आएगा और कृदंत होगी फिर भी वो स्त्रीलिंग नहीं होगी, पुल्लिंग होगी। जैसे लेख, नाच, मेल, बोल, मीठे दो बोल बोलो, तो मीठे बोल, तो ये पुल्लिंग शब्द है। अब नियम अगला देखिए, नौ नंबर, जिन भाववाचक जो संज्ञाएं हैं उनके अंत में टे हो या वट हो या वाह हो या हट हो, जैसे सजावट, बनावट, आहट, झंझट, आहट, चिकनाहट, तो ये सारे के सारे शब्द है वो स्त्रीलिंग मिलेंगे। अब देखिए, जिन संज्ञाओं के अंत में खय होता है, जैसे ईख, भीख, भूख, राख, चीख, कांख, कोख, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ईख खड़ी है, भीख मांगनी पड़ी, भीख मांगना पड़ा, ऐसा नहीं बोल सकते। भूख लग गई, भूख लग गया, ऐसा नहीं बोल सकते, तो भूख लग गई स्त्रीलिंग शब्द है। राख पड़ी है या राख हो गई या तो राख जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। चीख, उसकी चीख निकल गई, उसकी चीख निकल गया, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, उसका चीख, ऐसा नहीं बोलेंगे, उसकी चीख, चीख सुनाई दी या चीख सुनाई दिया, क्या बोलोगे, सुनाई दी, तो चीख जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार देख रेख कर ली, तो देख रेख स्त्रीलिंग शब्द है। लाख, ये लाख मतलब एक तो लाख होता है, लाख लक्ष को बोलते हैं, है ना, एक लाख, है ना, और एक लाख है लाक्षा, जो वो ना वो औरतें जो चूड़ा पहनती है, लाख का चूड़ा ऐसे बोलते हैं ना, वो लाक्षाग्रह जहाँ वो पांडव रहे थे, है ना, तो वो अलग शब्द है ये, लाख में लाक्षा, ठीक है। ये सारे शब्द क्या स्त्रीलिंग है, इनमें भी अपवाद है, क्या, रूख, ये कैसे स्त्रीलिंग शब्द है, रूख खड़े हैं, रूख मतलब वृक्ष, पेड़। तो इस प्रकार के कुछ नियम थे हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के। अब अगले वीडियो में कल मैं संस्कृत के शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ नियम बताऊंगा, उसके बाद अगले वीडियो में उर्दू के शब्दों के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताऊंगा। इनसे पूर्णता तो नहीं आती, सारे नियम तो पूर्ण नहीं होते, लेकिन बहुत सी सहायता मिल जाती है और दोहराई होती है। कुछ नए शब्द जो होते हैं जिनमें कन्फ्यूजिंग होती है, उनको थोड़ा विशेष ध्यान देकर याद रख लीजिए, ठीक है। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती माँ।